हेलो फ्रेंड्स, पीएम किसान योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पीएम किसान में बड़ा अपडेट यहां पर आ चुका है, भौतिक सत्यापन शुरू। किसान भाइयों, यहां पे भौतिक सत्यापन जो है वो शुरू हो चुके हैं। अगर आप एक किसान हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना में लाभ ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं और आपको भौतिक सत्यापन नहीं कराया है तो जाकर भैया करवा लो अपना भौतिक सत्यापन। यहाँ पे सभी को जमा करना होंगे ये डॉक्यूमेंट। यहाँ पे यह कुछ डॉक्यूमेंट हैं वो आपको जमा करना पड़ेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, सरकार जब भी किस्त का पैसा देती है उससे पहले वेरिफिकेशन जरूर कराती है, जिससे किसानों को पता चल सके और सरकार को भी पता चल सके ये किसान है या नहीं है। तो जाकर भैया अपने डॉक्यूमेंट जमा करा लो जिससे आपको पैसा मिल सके। कहाँ जमा करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करना है, आज मैं आपको उसी के बारे में बताने वाला हूं। तो मेरा नाम है राजू गंगवार, आप देख रहे हैं पीएम किसान योजना चैनल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। किसान भाई, सबसे पहले आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट पे आ जाना है। यहां पे मैं आपको एक वेबसाइट डाल के दिखा देता हूं, पीएम किसान योजना ग्रामीण। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और जाने के बाद में यहां पे आपको पहली वाली वेबसाइट मिलेगी, इसी पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहां पे आ जाएगा और यहां पे आप देख सकते हैं भौतिक सत्यापन के निर्देश, पीएम किसान योजना का जल्द कराएं भौतिक सत्यापन, 15 दिसंबर 2022 न्यू अपडेट। भैया 15 दिसंबर 2022 जो है इसकी लास्ट डेट है। अगर आपने नहीं कराया है तो करा लो, नहीं तो आपको फिर आने वाले इंस्टॉलमेंट का पैसा भी नहीं मिलेगा। उसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं भौतिक सत्यापन के निर्देश, पीएम किसान योजना का जल्द कराएं भौतिक सत्यापन 15 दिसंबर 2022। भैया यहाँ पे आपको कराना पड़ेगा, नहीं तो आपको यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पीएम किसान योजना सत्यापन 2022 भी लिखा है और यहाँ पे देख सकते हैं 15 दिसंबर तक होगा। केंद्र सरकार की योजना की तरफ से जांच किया जाता है। भैया यहाँ पे जांच किया जाता है आपका जो फॉर्म है सही है नहीं है, वो सारी कुछ जांच यहाँ पे की जाती है जिससे आपको यहाँ पे पैसा मिलता है। तो भैया आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है तो अगर आप भौतिक सत्यापन करा लेंगे तो आपको यहाँ पे पैसा मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं पीएम किसान फिजिकल वेरिफिकेशन 2022, पीएम किसान फिजिकल वेरिफिकेशन प्रोसेस। नमस्ते दोस्तों, इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं पीएम किसान योजना का सत्यापन के बारे में। यदि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2000 रुपये का लाभ लेते हैं तो अब आपको बता दें कि पीएम किसान की ओर से बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। यदि आप इस राज्य के यानी किसी भी राज्य में रहते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं तो भैया आपको वेरिफिकेशन कराना ही पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं वेरिफिकेशन के बारे में भी दिया हुआ है कि वेरिफिकेशन क्या है और कैसे रहता है। आप इस आर्टिकल पर आएंगे और आप इस आर्टिकल को अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, यहाँ तक कि आपको यहाँ पे फॉर्म भी मिल जाएगा जो आपको जमा करना है। जमा कहाँ करना है वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं सारा कुछ लिखा हुआ है आपके सामने है। अगर आप वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं पीएम किसान योजना में, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा 12वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा यहाँ पे रिलीज हुआ था तो काफ़ी सारे किसान भाइयों को पैसा नहीं मिला था, तो वो इसीलिए नहीं मिला था क्योंकि उन्होंने यहाँ पे भौतिक सत्यापन नहीं कराया था। तो दोबारा से फिर आपके पास में ऑफर आ गया है भैया, तो अपना वेरिफिकेशन जरूर करा लें, अपने डॉक्यूमेंटों को जमा कर दें। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट में जमा करना है आधार कार्ड, जो आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो फॉर्म होता है उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर और आपको एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म इसी के नीचे मैं आपको दे दूंगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये फॉर्म है, यहां पे अपनी डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपकी तहसील क्या है, सारा कुछ आपको यहां पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको जमा कर देना है। बात करते हैं यहाँ पे जो किसान भाइयों का मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है भैया, तो वो भी अपडेट यहाँ पर हो जाएगा। जो भी समस्या है आपको, मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ से देख सकते हैं, निकलवा सकते हैं। यहाँ पे आप अपलोड करके देंगे तो जो अपडेट करेंगे, जैसे लेखपाल या तहसील में जाकर जमा करेंगे तो उनसे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी पूछ सकते हैं, जिससे आप अपना वन फैचरी स्टेट भी यहाँ पर चेक कर पाएंगे। तो बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पर आ गया है। अगर आपने अभी तक यहाँ वेरिफिकेशन नहीं कराया या फिर डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए हैं तो भैया ये जमा कर दो जिससे आपको आने वाले इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल सके और आपको इस योजना का लाभ भी मिले। यानी जो 2000 रुपये मिलते हैं ना वो मिलेंगे नहीं भैया अगर आप वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे किसान भाइयों को पैसा नहीं मिला है तो आपको भी यहाँ पे नहीं मिलेगा। किसान भाइयों, वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पे डालता रहता हूँ और आप लोगों की हेल्प भी यहाँ पे बिल्कुल फ्री में करता हूँ, आपसे तो कोई भी पैसा भी नहीं लेता हूँ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।